ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। सुबह उठकर आपको ये तीन उपाय रोज करना चाहिए। बहुत ही सरल उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपका पूरा दिन बहुत ही शुभ मंगल और आपके जितने भी काम हैं वो बनेंगे। एक अपने साथ शांति बनी रहेगी और साथ ही साथ में आपको खुद को पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ दिखेगा। और ये जो तीन उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही सरल भी है और बहुत आसान है, जिसे आप बहुत ही कम समय में कर भी सकते हो। दोस्तों, इन उपायों पर कई सारे जातकों को मैंने बताया, उन्होंने इसे किया और उन्हें बिल्कुल इसका बहुत 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 फायदा मिला है। दोस्तों, तो आप इन उपायों को करें और अपने जीवन में एक सकारात्मक फायदा जरूर लें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जो आपका मन हो जरूर लिखें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, जो भी प्रश्न आपके मन में हो, जिनको लेकर आपको चिंताएं हो रही है, आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य उपाय है कि जब भी आप सुबह उठे तो भगवान कृष्ण का आप चेहरा देखें, अपना चेहरा न देखें, साथ ही साथ ऐसे किसी भी इंसान का चेहरा ना देखें। अगर देखना है अपने माता पिता का चेहरा देखें और भगवान कृष्ण का वो मनमोहक दृश्य एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो दिखाई देती है, तो राधा कृष्ण का जो भी चित्र हो अपने अपने कमरे में लगाएं और उसके दर्शन करें। ये करेंगे आपका पूरा दिन बहुत ही शुभ मंगल जाएगा। या बाबा भोलेनाथ की कोई भी ज्योतिर्लिंग की अगर तस्वीर हो वो आप लगाएं, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इसमें यही बात याद रखना। दूसरी बात है कि सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करें, सूर्य को रोज जल चढ़ाते हैं, आप सभी लोग नहीं चढ़ाते हैं तो चढ़ाना शुरू करें। और सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बात है कि थोड़ा सा अनाज जो भी आपके घर में हो, गेहूं चावल जो भी अनाज हो, वो जरूर दो दाने पांच जितने भी आप अफोर्ड कर पाए वो रोज अपनी छत पर या ऐसी जगह जहां पर कबूतर या ये जो भी पक्षी है वो खा पाए, आप उनको दाना सुबह ये सभी कर्म करने के बाद जरूर आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों, गीता का 11वें अध्याय का पाठ रेगुलर करें। आप सुबह उठें, नहाए धोएं और गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगला है कि जैसे बहुत से लोग का आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है, वो उन्हें समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करें। अगर ऐसी मनहर दिक्कतें हैं तो बजरंग बाण भी आप सुबह से पढ़ें, एक बार पढ़ें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। इन उपायों को करने के बाद आपको